तो भाई लोग आज हमने TDM खेला अपने गांव वालों के साथ, जो कि चारों बंदे मेरे अपने गांव से है। तो इन्होंने मुझे बोला कि 1v4 खेल हमारे साथ, तो मैंने इनके साथ 1v4 खेला। तो आज का TDM इसी पर है। पहले हम बात करेंगे जिसने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, ये है ब्लडी वेपन YT। ये बंदा डालता है मोंटाज वीडियो इस YouTube चैनल पे, बहुत अच्छा है, अपना कश्मीरी बंदा है, मतलब कि मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बंदा है। जैसे इसने मेरे साथ बात की, खेलता भी बहुत अच्छा है, तो आप इसकी चैनल नीचे चेक करिए, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा बंदा खेलता है, सपोर्ट तो बनता है भाई। और जिसको पेड प्रमोशन करवानी है वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करे, मैंने नीचे इंस्टाग्राम ID दी हुई है। तो भाई लोग आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। मैंने रूम खेला था रिसेंटली, एक बंदे ने मुझे इंस्टा पर DM किया था, बोला था कि मेरा 5.5 का KD है और मैं एस में हूँ, तो भाई मेरे साथ रूम खेले। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ओके डन, खेलेंगे रूम, आ जा रूम में। तो जब मुझे पता चला ब्रो ये रूम में आ गया, तो मेरा हेडफोन आज चलता नहीं है, तो मैंने इसके साथ हेडफोन के बगैर ही खेला, क्योंकि मैं जब हेडफोन लगाता हूँ तो ये डिसकनेक्ट हो जाता है, थोड़ा विन में प्रॉब्लम है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं नया फ़ोन ले लूँ अब इसको बेच के, क्योंकि इस फ़ोन में अब बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कभी तो ग्लिच हो जाता है, कभी मतलब हेडफोन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से मैं आज अच्छे से स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है आ जा, तो इसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, ये रूम में आ गया, तो इसने मुझे 4 kills से हराया। ठीक है भाई, हमने TPP खेला था, तो पहले मैं लीड कर रहा था, तो फिर बाद में इसने थोड़ा गेम वेम कर लिया, तो हेडफोन के बगैर मुझे पता नहीं चलता था ये हैं कहाँ पे, तो इसने मुझे हराया 4 points से। ठीक है भाई, तो फिर ये बोलने लगा चैट में नूब वो ये कि, फिर मुझे बोलने लगा तू हराम का पैसा कमाता है, तू मैच फिक्सिंग करके खेलता है TDM। तो मैंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि मैंने 4 points से हारा था इससे, तो मैंने बोला ठीक है भाई ओके, जो तू बोले ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, तुमने सही खेला, तू अच्छा प्लेयर है, मैं तुमसे नूब हूँ, ठीक है। तो ये फिर गाली वाली भी देने लगा, तो ये फिर मतलब घर वालों पर पहुँचने लगा कि तू हराम का पैसा खाता हुआ है। तो मैंने इसको गाली दी भाई, सीरियसली मैंने इसको बहुत गाली दी, तो मैंने उसके बाद इसको अनफ्रेंड कर दिया, क्योंकि ये बंदा मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बोल रहा। तो फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि तूने इसके साथ रूम क्यों खेला। मैंने भाई बोला कि 5 का KD था, तो मुझे भाई खेलना ही था रूम। तो उसने बोला ये है कोई कुछ कॉन्फिग फाइल यूज़ करता है, मुझे वो पता नहीं, कुछ नो रिकॉयल, कुछ नो ग्रास, पता नहीं वो बहुत सारी हाई डैमेज, कुछ पता नहीं मुझे भाई पूरा इसका। तो उसने मुझे ये बोला, तो मैंने बोला भाई ये तो फिर 4 kills से ही क्यों जीता इसने, मतलब इस, तो उसने बोला कि ये बहुत नूब है, तो आज ये कुछ कॉन्फिग फाइल यूज़ करता है। तो उसको कैसे पता चला था, ऐसे ही हम बोलते नहीं कि कोई कॉन्फिग यूज़ फाइल करता है, क्योंकि जब प्रूफ होता है तभी बोलते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था, इस M2 Snacks ने उसको एक बंदे को हराया था, मतलब कि 0.5 points का डिफरेंस हुआ था, तो इसने जीता था। तो फिर उस वो बंदे को ऐसा लगा कि ये कुछ फाइल शाइल यूज़ करता है, तो उसके घर गया, फिर उसके घर पे जाके उसको गेम अनइंस्टॉल करवाया। तो उसके बाद इसने उसके साथ रूम खेला, ठीक है भाई। तो इसने 0 और 11 स्कोर हुआ, ठीक है भाई, उस बंदे ने 11 kills की, इसने 0 की थी। फिर उसके बाद इसने 1-2 kills निकाली, पता नहीं कैसे निकाली। तो भाई ऐसे बंदे होते हैं कि जो फाइल्स यूज़ करके मेरे साथ रूम खेलने आते हैं, खुद समझ लो, मतलब कि बस ये दिखाने के लिए कि हम तुमसे अच्छे हैं। नो डाउट बहुत सारे बंदे मेरे से अच्छे भी TDM खेलते होंगे, मतलब मुझे हरा भी सकते हैं अच्छे से आराम से, मगर भाई अगर तुम फाइल कर यूज़ करके फिर जस्ट 4 points से जीतोगे, मेरा मतलब कि स्कोर था कुछ 14 तो उसका था 18, तो ऐसे तुम जीतोगे ये तो शर्म है तुम पे भाई। फाइल यूज़ करके तुम हाई डैमेज फाइल बाकी फाइल यूज़ करके जस्ट 4 points से जीतो, वो भी कैंप करके। और मुझे पता है बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि नहीं हो सकता है उस टाइम उसको खेलना नहीं आया होगा, मगर भाई इसने खुद फिर एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं फाइल यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बंदे नीचे कमेंट में जो वो हेटर लोग होते हैं वो कुछ भी निकाल के बताएंगे कि ऐसा है, तो भाई इसने खुद एक्सेप्ट किया था फिर कि मैं हाँ फाइल्स यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है भाई, नहीं तो नहीं बनाता, क्योंकि इस बंदे ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था वो शाम, तो बहुत बक रहा था, चलो छोड़ो जो है जैसे हैं जो रहने दो। और जिसने जून का वीडियो देखा है वो फेक वीडियो, तो भाई मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पे, क्योंकि जो अपने बंदे हैं उनको तो ऑलरेडी समझ आ गया होगा वो फेक है, वो तो सीधे दिखता है कि हाँ फेक है। और जो हेटर लोग हैं उनको तो भाई अगर कोई नूब भी मेरा वीडियो बनाएगा मतलब कि फेक वीडियो, तो वो बोलेंगे हाँ ये भी सच है, तो उनको हमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और अपने बंदों की बात करें तो अगर उनको चाहिए होती तो मैं उनको दे देता, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, मगर मुझे पता है वो समझदार है, उनको खुद समझ आएगा कि वो फेक वीडियो है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही,